चलिए शुरू करते हैं आज हम 3.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें, उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस चैप्टर का यानी कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट वन से। x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4, ये टू इक्वेशन दे रखी हैं। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन यूज की है, क्या है x प्लस वाई इक्वल 14। तो x को मैंने यहां रखा है 14 एज इट इज, y ने अपनी पोजिशन जो है वो क्या कर ली, चेंज कर ली। यहां वाई पॉजिटिव था, यहां के वो नेगेटिव हो गया। इट मींस एक्स किसके इक्वल है, 14 माइनस वाई के। तो अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम कहां पुट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में, किसी में भी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है, तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल 4। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई इक्वल 14। अब 14 देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस 2y, ये 14 यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10 बाई 2, वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन, जो ये हमारी इक्वेशन बनी थी थर्ड, इसमें पुट करते हैं। तो x 14 माइनस वाई एक्स 14, वाई की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाली है बेटा 5। Then we put here 5, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर, क्लियर है। पार्ट सेकेंड, s माइनस t इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल 6। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है उसको एक सिंपल इक्वेशन में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो हट जाए। 2s, 3t, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 का यूज करके हम इक्वेशन 3 बनाते हैं। s माइनस t इज इक्वल टू 3, t ने अपनी पोजिशन चेंज की, यहां वो नेगेटिव था, यहाँ के वो पॉजिटिव हो गया, तो हमें इक्वेशन थर्ड मिल गई। ठीक है, फिर वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन टू। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी टू है, टू एस हमारा किसके इक्वल है, थ्री प्लस टी के। तो मैंने यहां पुट किया थ्री प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36, टू थ्री जा 6, टू टी, 3t इक्वल 36, टू और थ्री को प्लस किया 5t, 36, ये यहाँ प्लस का, यहाँ के माइनस का 30, 5 से कैंसिल आउट किया, वैल्यू क्या आई टी की 6। इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे यानी कि यहाँ पे, तो 3 प्लस टी हमारा क्या निकल गया है 6, दोनों को ऐड किया तो s की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9। क्लियर है बेटा आपको, मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिए पार्ट 3 में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 3। अब देखिए 3x एज इट इज रखते हैं, ये 3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके क्या हो गया नेगेटिव, और ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ आके क्या, सॉरी नेगेटिव है, यहाँ आके क्या हो गई पॉजिटिव। तो मैंने इन दोनों की जो पोजिशन है वो इंटरचेंज कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू निकल आई। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड ये है 9x 3, 3x माइनस 3 इक्वल 9, 9x माइनस 9x ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल है 9। तो यहां लिखेंगे द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि इनफिनिट सॉल्यूशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से x की वैल्यू 1 रखेंगे, x 1 माइनस 3 इक्वल y, 3 बन जा 3y, तो y का क्या आया सॉल्यूशन 0। तो ये हमारे तीन पार्ट जो है वो यही कंप्लीट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। या तो आप इसको नोट इट डाउन कर लीजिए, या आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। वही बात, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 13। अब देखिए
1.3 एज इट इज, यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस का, और ये 2 0.2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो x क्या आया 1.3 माइनस 0.3 y डिवाइड बाय 0.2, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है 0.4 प्लस 0.5 इक्वल 2.3। अब देखिए 0.4 x की वैल्यू यहाँ रखी ये वाली, प्लस 0.5 y 2.3, इसको इससे कैंसिल किया 0.2, 0.2 को 1.3 से किया तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया माइनस का 0.1 और ये 2. इसको इस साइड ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.1 कैंसिल आउट करा तो आंसर आया हमारा 3। अब इस 3 को क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, 3 जा 9, 1.3 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4, नीचे 0.2 है इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, क्लियर है। वाई हमारे पास आया था 3 और एक्स हमारे पास क्या आया है 2, क्लियर है आपको। मूव करते हैं पार्ट फिफ्थ की तरफ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रूट में है वैल्यू तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। 2x प्लस 3y रूट में है 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0, फर्स्ट एंड सेकेंड यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेम, ये यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, इक्वेशन थर्ड। तो क्या लिखेंगे x की वैल्यू, हम ये रख सकते हैं x की जगह, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, रूट 3x माइनस 8y इक्वल 0, रूट 3 एज इट इज, x की जगह हम ये लिख सकते हैं माइनस 8y इक्वल 0, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है तो इक्वल आएगा 3, तो ये 3y डिवाइड बाय रूट 2 एज इट इज आ गया, क्लियर है। अब इस इक्वेशन का क्या लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लिया हमने रूट 2 माइनस 3y इक्वल इसको रखा 0। अब देखिए रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 इक्वल अंडर द रूट 16, अंडर द रूट 16 क्या बन रहा है 4 इंटू 4, इट मीन 4, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 4y, इसको सॉल्व करा है मैंने यहाँ पे और यहाँ से जो वैल्यू आई मैंने वो यहाँ रख दी, क्लियर है। अब देखिए एलसीएम में 2 है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, इट मीन्स यहाँ तो ये दोनों प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस इक्वल 0, y 0 डिवाइड बाई 7, y की वैल्यू क्या आई 0, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2, रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, तो आप लोग क्या कर लीजिए, या तो नोट आउट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं हम लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट है। देखिए हमें इक्वेशन दे रखे 3x by 2 माइनस 5y by 3 इक्वल माइनस 2, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को क्योंकि फ्रैक्शन में गिवन है। एलसीएम लिया हमने 6, 3 2 जा 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आई इक्वेशन, यानी कि ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम इसका करेंगे 3 2 जा 6, एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई फोर्थ, क्लियर है। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 2x 3y इक्वल 13, एक्स यही रहा, ये यहाँ के माइनस का हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, तो x की वैल्यू आई 13 माइनस 3y बाई 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल माइनस 12, रखा 9, x हमारा क्या है ये है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y इक्वल माइनस 12, क्लियर है। 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया 170, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27y माइनस 10y इक्वल 12, एलसीएम लिया हमने 1, ठीक है 117 ये एंड ये, अब ये 2 है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू आई ये 12 और जा 24, ये यहाँ प्लस का माइनस का, इन दोनों को ऐड किया 141 डिवाइड बाई 47 कैंसिल आउट किया, वाई की वैल्यू आई 3, वाई की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, क्लियर है। 3 जा 9, 13 में से 9 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आई हमारी 2, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3,
तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सॉल्यूशन है। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी बाय रिंकू सर और पढ़ते रहिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।